तुम्हारा तात्पर्य है कि तुम हमारी सेना को लेकर अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए फारस जाओगे, डराइस के लिए अलेक्जेंडर से युद्ध करोगे। नहीं महाराज, मैं ना ही अपनी सेना को फारस ले जाऊंगा और ना ही इस फारसी युद्ध में सम्मिलित होऊंगा। मैं फारस जाना चाहता हूं क्योंकि मुझे उस अलेक्जेंडर और उसकी सेना के विषय में सूचना प्राप्त करनी है। उनकी नीति, उनकी योजनाएं, उसके सोचने का तरीका सबके विषय में ज्ञात करना चाहता हूं मैं महाराज, ताकि युद्ध में उनका सामना करने में हमें आसानी हो। अब तुम एक दस्यु नहीं, कौरव राष्ट्र के युवराज हो पुरुषोत्तम, और इसीलिए मेरा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है महाराज। मेरे राष्ट्र के प्रति मेरा धर्म, मेरे अपनों की रक्षा का दायित्व मुझे पुकार लगा रहा है महाराज। ये तुम क्या कह रहे हो पुरु? वही जो समय की मांग है। मैं जानना चाहता हूं कि उस अलेक्जेंडर में ऐसा क्या है जो उसे इतना अलग बनाता है, क्यों वो इतना क्रूर है और किस प्रकार मैं उसको युद्ध में पराजित कर सकता हूं। यदि हमें शत्रु की दुर्बलता के विषय में ज्ञात हो जाए तो उसे हराना आसान हो जाता है। मुझे उसकी ऐसी दुर्बलता ढूंढनी है जहां प्रहार करने से उसको सबसे अधिक चोट पहुंचे। मैं उसे इसलिए नहीं मिलना चाहता क्योंकि किसी ने कहा है कि मेरी नियति उसे जुड़ी हुई है, परंतु इसलिए मिलना चाहता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इतना साहस किसमें है जो मेरे देश पर आंखें गड़ाकर बैठा है। यह युद्ध है पुरु, खेल नहीं। अलेक्जेंडर इस समय फारस में अपनी पूरी सेना के साथ है और तुम अकेले उसके सामने जाना चाहते हो। हाँ महाराज, यदि हमें उनकी युद्ध शैली, उनकी योजनाओं के विषय में ज्ञात करना है तो मुझे वहां अकेले जाना होगा। सेना ले जाने से उन्हें शक हो जाएगा और वो हमारे हित में नहीं। हम तुम्हारे तर्क से सहमत है पुरु, परंतु इस कार्य के लिए हम गुप्तचर भी भेज सकते हैं। तुम्हारा वहां जाना आवश्यक नहीं है। नहीं महाराज, क्योंकि जिसका सामना मुझे करना है उसे जानने भी मैं स्वयं जाऊंगा। तुम युवराज हो पुरु, तुम्हारे प्राण संकट में नहीं डाले जा सकते। पर हमारा राष्ट्र संकट में हो तो? तुम कहीं नहीं जाओगे युवराज पुरुषोत्तम, ये पौरव राज का आदेश है और तुम्हें इसका पालन करना ही होगा। ये है क्रेनिकस का किनारा और ये क्रेनिकस नदी, ये है हेलकार्नस शहर। फौज को तैयार होने का हुक्म दो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, हमें हमला जल्द करना होगा क्योंकि जितना वक्त हम उन फारसियों को देंगे उतना ही वो जंग के लिए बेहतर तैयार होंगे, जो कि हमें नहीं होने देना।
क्या हुआ? तुमने सुना नहीं मैंने कहा फौज को अगली कूच के लिए तैयार करो? हुजूर, फौज नाखुश है और बेचैन भी, कहीं ऐसा ना हो वो हमारा हुक्म मानने से इनकार कर दे। और उनकी बेचैनी की वजह? वजह पारसी सिपह सलारों को अपनी फौज में जगह देने से है हजूर। जिन लोगों को हमारी फौज ने हराया, अब उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग कैसे करेंगे सिपाही? और मैं खुद भी आपके इस फैसले को समझ नहीं पाया हूं। तुम जानते हो ना क्रेटस हम अगली कूच कहां करने वाले हैं? जी, पारस में अंदर की ओर जाने वाले हैं। बेशक हमारी अगली मंजिल होगी हेलकार्नस शहर, उसके बाद इजिप्ट, बेबीलोन, पर्सेपोलिस, बैक्टीरिया और अंत में हमारी मंजिल भारत। भारत, भारत। जिन जिन को हम हराएंगे, अगर उन सब को पीछे छोड़ते गए तो ये सब एक दिन हमारे खिलाफ बगावत छेड़ देंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह ग्रीस में शाह फिलिप के खिलाफ बगावत हुई थी। लेकिन उसके लिए तो हम अपने कुछ लड़ाके यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं जो उन फारसियों पर नजर रखे। नहीं क्लीटस, बेहतर होगा कि जितने फारसी यहाँ बचे उनके कुनबे के कुछ लोग हमारी फौज में शामिल रहे, उनकी सांसें हमारे रहमो करम पर हो, क्योंकि अगर अपनों को खोने का खौफ उन लोगों में होगा तो बगावत की चिंगारी उनके दिमाग में नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हुजूर, अगर फारसी सिपाही हमारी फौज का हिस्सा रहेंगे तो कल को मुमकिन है कि वो हमारे ही लोगों को नुकसान पहुंचाए। तुमसे ये बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी क्लीटस, तुम ये भूल रहे हो इन्हें सिपाहियों के कुनबे हमारे इशारों पर सांसें ले रहे हैं। उल्टा आने वाली जंग में हमारी सामने वाली फारसी फौज के सिपाही अपने ही लोगों से जंग करने में कतराएंगे। अब तक डराज तक खबर पहुंच चुकी होगी और मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द अपने बिल से बाहर आए। रहे हैं हुजूर, ये उस अलेक्जेंडर का कारनामा है। कल के लड़के ने क्रैनिकस के किनारे लड़ी गई जंग फतेह कर ली है और हम पर अगले हमले के लिए कूच भी कर चुका है। फारस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है मॉशियस, और एक फतेह या एक शिकस्त इस मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। हम फारस पहुंच चुके हैं, हम फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और उस लड़के को उसकी गुस्ताखी की सजा जरूर देंगे। आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप अलेक्जेंडर से जंग खुद नहीं लड़ेंगे? अलेक्जेंडर अभी बच्चा है, मुझसे जंग करने की उसकी हैसियत नहीं, उसके लिए तो मेरे सिपे सवार ही काफी है।
ये पुरु का वचन है राजकुमारी पारसीन, जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तुमने मुझे वादा किया था पुरु कि मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। अब तुम्हें अपना वादा निभाने आना ही होगा पुरु। फारस की पूरी फौज दरवाजे के उस तरफ है। यह जंग हमारे लिए पिछली जंग से ज्यादा मुश्किल साबित होगी। इस दरवाजे को तोड़ पाना नामुमकिन है हुजूर। जब तक इस दरवाजे को तोड़कर हम शहर में दाखिल नहीं होते फतेह की उम्मीद कम है। डरा अलेक्जेंडर हेलिकार्निकस पहुंच चुका है। किसी भी वक्त शहर पर हमला हो सकता है हुजूर। ये कैसे मुमकिन है? इतनी जल्दी अलेक्जेंडर हेलिकार्निकस कैसे पहुंच सकता है? यही बात तो अलेक्जेंडर को खास बनाती है हुजूर। दूसरे शहंशाहों की तरह एक जीत के बाद अलेक्जेंडर आराम नहीं फरमाता। क्रानिकस की फतेह के फौरन बाद अलेक्जेंडर हेलिकार्निकस के लिए निकल गया हुजूर। हमारी फौज को अगली जंग की तैयारी का वक्त भी नहीं मिला। क्रानिकस की नदी का तरंग तो लाल हो ही गया है हुजूर। कहीं ऐसा ना हो हेलिकार्निकस का समंदर भी अपना रंग बदल दे। क्रानिकस पर उस लड़के की फतेह उसकी किस्मत थी, मगर अगर उसे लगता है कि वो फारस पर हुकूमत कर सकता है तो ये उसकी भूल है। इसका सिला हम उसे जरूर देंगे। मॉशियस, फौरन हमारी बाकी की फौज को समंदर के रास्ते से हेलिकार्निकस भेज दो। शहर में मौजूद लड़ाके और किनारे से आती फारसी फौज के बीच चक्की के दो पातों के बीच पिस जाएगा ये अलेक्जेंडर। फौरन हुक्म की तावील हो। महाराज ये समझ क्यों नहीं पा रहे लाची,
कि मेरा फारस शाकर अलेक्जेंडर के विषय में जानना कितना आवश्यक है। मैं तुम्हारी चिंता समझ रही हूँ पुरु, परंतु महाराज के पास भी मना करने का कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, इसलिए उन महाराज आपकी बात नहीं टालेंगे। आप समझाइए उन्हें कि मेरा फारस जाना कितना आवश्यक है, और यह कोई व्यक्तिगत बैर नहीं, पूरे राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। वो भला मुझसे ना क्यों कहेंगे? उनकी ना का कारण मैं जानती हूं पुरु। महाराज के ना कहने का क्या कारण हो सकता है महाराज? एक राजा अपने राष्ट्र की आवश्यकता समझता है, परंतु एक पिता अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए चिंतित है। इतने वर्षों पश्चात तुम उन्हें मिले हो पुरु, और इसीलिए वो अपने पुत्र को आने वाले प्रत्येक संकट से दूर रखना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो आज एक पुत्र अपने पिता से अवश्य मिलेगा। कोई लाभ नहीं है पुरु। महाराज नहीं मानेंगे। महाराज अब तक नहीं माने क्योंकि एक युवराज उनसे बात कर रहा था। अब एक पुत्र अपने पिता से बात करेगा। जिस एक्लीस का जरा बख्तर मैंने पहना है, क्या तुम्हें उसकी कहानी मालूम है? अकिलीस ग्रीस का सबसे ताकतवर सिपाही था, पर उसकी एक कमजोरी थी, उसकी एड़ी, जिसने इतने लोगों को मौत के घाट उतारा। वो अपने एड़ी पर आए तीर के घाव से दुनिया छोड़कर चला गया। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इंसान हो या इमारत, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है जिस पे किया हुआ एक बार उसे निस्तो नाबूद कर सकता है। मुझे भी शहर की यही कमजोरी मालूम करनी है। कि दिमाग में कोई चाल है क्या? सुना है कि शहर पर पहले एक मलिका की हुकूमत थी, पर उसका तख्त उसके भाई ने छीन लिया और उसे शहर से बाहर भेज दिया, और अब खुद हुकूमत कर रहा है यहां पर। पता करो कि शहर की वो मलिका कहां है, क्योंकि इस जंग में वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है और वही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी। पिताश्री, आने की अनुमति है? यदि यहां आने का कारण फारस जाना है तो हम पहले कह चुके हैं तुम अकेले फारस नहीं जाओगे। हमारी इच्छा है यहां उपस्थित सभी राज्यों के उत्तराधिकारी गुरु के साथ फारस जाएं। मैं यहाँ कैरिया की मलिका अदा से मुलाकात करने आया। तुम्हारे भाई ने तुम्हें तख्त से बेदखल करके जो वीरानी की जिंदगी में जीने पर मजबूर किया, मगर मैं इस वीरानगी को फिर से खुशनसीबी में बदल सकता हूँ। बस मुझे शहर में दाखिल होने का रास्ता बताओ। जब तक गुरु जीवित है उसकी मातृभूमि पर कोई भी बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता। अलेक्जेंडर, आ रहा हूं, देखता हूं कि हमारा भाग्य हमें किस ओर ले जाएगा।